हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं मैथ इज फन विद शालिनी। सबसे पहले तो सॉरी कि इतने दिनों से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूं ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आज के बाद से हर हफ्ते या हफ्ते में दो बार भी आपके लिए वीडियो बना सकूं। सो दिस वीडियो इज अबाउट राउंडिंग ऑफ नंबर्स। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी। ग्रेड 4 to 5 के लिए मैं आपको बताऊंगी नंबर लाइन पर कैसे राउंड ऑफ करते हैं, और ग्रेड 6 एंड अबव के लिए हम करेंगे कंपेयरिंग मेथड। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि नियरेस्ट टेंस को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। जैसे कि जब आप शॉप पर कुछ खरीदने जाते हो, सपोज करो आपने कोई एक पेन खरीदा जिसकी कॉस्ट है 17 या 18 रुपीज। ओके, आपके पापा देना चाहते हैं मनी लेकिन चेंज नहीं है, तो डेफिनेटली वो 20 रुपीज देंगे, क्योंकि 10 रुपीज तो दुकान वाला बिल्कुल भी नहीं लेगा, क्योंकि 17 से 10 का डिफरेंस 7 नंबर्स का है, जबकि 17 से 20 का डिफरेंस जो है वो 3 नंबर्स का है। ओके, तो जो राउंड ऑफ नंबर्स होते हैं वो हमेशा हम कंपेयर करते हैं मिडिल नंबर 5 से। तो जब हमें नियरेस्ट 10 में करना हो कन्वर्ट, तो हम देखते हैं वंस प्लेस डिजिट को। आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने लिखा हुआ है कि ऑलवेज लुक एट द वंस प्लेस डिजिट एंड कंपेयर इट विथ 5। उसको हम 5 से कंपेयर करेंगे। ठीक, देखो नीचे एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को साथ साथ देखते हुए चलते हैं। ये एक नंबर है, हमको थाउजेंड्स में है, लेकिन नंबर राउंड ऑफ नहीं है। राउंड ऑफ नंबर का मतलब होता है लास्ट में उसके जीरो जरूर होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हमको टेंस को राउंड ऑफ करना है, तो हमें ये दो डिजिट वंस और टेंस सिर्फ इन्हीं को हमको राउंड ऑफ करना है, बाकी 2 और 5 जो है वो एज इट इज रहेंगे। तो नियरेस्ट टेंस को राउंड ऑफ करने के लिए हमें देखना है डिजिट हमारा जो कि हो वंस प्लेस पे। तो यहाँ पे वंस प्लेस का डिजिट है 8 एंड विच इज ग्रेटर देन 5। ओके, तो अगर ये 5 से छोटा होता, इफ द डिजिट इज लेस देन 5 रिप्लेस द वंस डिजिट प्लेस विद 0। तो अगर हमारा नंबर होता सपोज करो कुछ ऐसा। ओके, तो ये जो लास्ट का वन प्लेस डिजिट है दिस इज लेस देन 5, सो हम इसको राउंड ऑफ कैसे करते हैं, सीधा राउंड ऑफ कर देते 2560। लेकिन अगर ये डिजिट है, इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, एड 1 टू द टेंस प्लेस एंड रिप्लेस वंस प्लेस डिजिट विद 0। तो अगर ये है 5 से ज्यादा, तो इस केस में ये 5 से ज्यादा है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा वंस प्लेस का डिजिट है यानी कि 6, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे और हमारे इस डिजिट को जो हमारा वंस सॉरी टेंस प्लेस के डिजिट पर हम +1 ऐड कर देंगे और वंस प्लेस के डिजिट को हम कर देंगे 0। तो ये हमारा हो जाएगा 2570। ओके, तो 68 आप देख रहे हो कि 68 इज नियरेस्ट टू 70 रादर देन 60। 60 से थोड़ा दूर है लेकिन 70 के पास है। तो इस तरह से हम इसको कंपेयर करके सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ क्लास 4 और 5 के लिए कि वो लोग इसको इन क्वेश्चन को नंबर लाइन पर किस तरह कर सकते हैं। ओके, तो हमारा यही वापस से क्वेश्चन है 2568 और इसे हमें कन्वर्ट करना है नियरेस्ट टेंस में। तो सबसे पहले टेंस के लिए हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं 68। अब 68 किन दो नंबर्स के बीच में आता है, 60 और 70। हमको दो टेंस देखने हैं, 10, 20, 30, 40, 50 ये टेंस होते हैं, राइट। तो ये हमको देखने हैं कि किन दो टेंस के बीच में ये नंबर आता है। तो ये 68 जो आता है वो आता है 60 और 70 के बीच में। तो हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं रेंडम इसको ड्रॉ कर रही हूँ, आप प्रॉपर स्केल से ड्रॉ करना। और इसमें हमको बीच में, अब ये 60 हमको सिर्फ नहीं लेना है, हमको यह लेना है 2560। ओके, क्योंकि जो पूरा डिजिट है हमको वो पूरा लेना है, लेकिन कंपेयर लास्ट के दो करना है हमको। ठीक, वंस एंड टेंस 61 62। तो हमने 2560 से लेकर 2570 तक सारे नंबर्स हमने यहाँ पर इस नंबर लाइन पर लिख लिए हैं। जब आप स्केल से बनाओगे तो आप 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर डिफरेंस रखोगे। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, 2568 को हमको यहाँ पर राउंड ऑफ करना है। हमको देखना है कि ये किस टेंस से पास है, ये वाले टेंस से पास है या इस तरफ वाले टेंस से पास है। ये भी एक टेंस है, 2560 भी एक टेंस है, 2570 भी एक टेंस है, क्योंकि वो ऑलरेडी राउंड ऑफ नंबर है, क्योंकि उनके पीछे जीरो है। ओके, मैंने आपको बताया राउंड ऑफ नंबर मतलब उसके जो लास्ट का डिजिट है उसमें जीरो जरूर होना चाहिए। ओके, तो 2560 हम क्लियरली नंबर लाइन पर देख सकते हैं कि 2570 के ज्यादा
पास है, तो हम इसको राउंड ऑफ नंबर हम इसका बोलेंगे 2568 का 2570। एंड हैव यू नोटिस्ड कि हमने जो कंपेयर मेथड से किया था तब भी ये आंसर हमारा सेम ही आया था। तो जब भी हम नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो इसे हम कहते हैं राउंडेड अप, और अगर हम लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं सो दिस इज कॉल्ड राउंडेड डाउन। ओके, तो हमने क्या किया, हमने 2568 को राउंडेड अप किया टुवर्ड्स 2570। सो नियरेस्ट टेंस ऑफ 2568 इज 2570। ओके, अगर वंस प्लेस का डिजिट 5 है, यानी कि बिल्कुल 5 इक्वल्स टू 5, 5 के बराबर है, तब हम क्या करेंगे, तब भी हम उस नंबर को राउंडेड अप करेंगे, ना कि राउंडेड डाउन। तो नंबर अगर 5 से छोटा है तो हम करेंगे उसे राउंडेड डाउन, और अगर नंबर है 5 या 5 से बड़ा तो हम उसको करेंगे राउंडेड अप। ओके, ये है हमारे पास 4 और 5th के लिए। बाकी जो मैंने आपको पहले बताया कंपेयरिंग मेथड, सिंपली कंपेयर करके आप चेंज कर दें, एड प्लस 1 कर दें, वो है हमारा 6th एंड उसके ऊपर के क्लासेस के लिए, राइट? सो सिमिलरली हम चेंज कर सकते हैं टू द नियरेस्ट 100। जैसे हमने नियरेस्ट टेंस में वंस प्लेस को देखा था, वैसे ही नियरेस्ट 100 में हम टेंस प्लेस को देखेंगे। आप हमेशा नोटिस करना कि जब हम किसी भी को भी चेंज कर रहे हैं, जब हम टेंस को चेंज करते हैं तो हम राइट हैंड साइड वाले डिजिट को देखते हैं, जब हम 100 को चेंज कर रहे हैं तब हम इसके राइट साइड वाले डिजिट को देखेंगे। तो 100 का राइट साइड डिजिट क्या है, टेंस। तो अब हम टेंस प्लेस को देखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे 5 के साथ, ठीक है? अगर डिजिट 5 से छोटा है तो हम टेंस और वंस यानी कि राइट हैंड साइड के दोनों डिजिट्स को हम जीरो कर देंगे, ना कि सिर्फ टेंस को, क्योंकि राउंडेड ऑफ में वंस का जीरो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? टेंस तो आप यहां पे जीरो करोगे ही करोगे, लेकिन आपको वंस को भी जीरो करना है तभी वो राउंड ऑफ कहलाता है। इफ द डिजिट एट टेंस प्लेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तब हम 100th प्लेस पर 1 ऐड कर देंगे और रिप्लेस कर देंगे टेंस और वंस प्लेस को जीरो के साथ, ठीक? ये मेथड है हमारी कंपेयरिंग मेथड, और ऐड 1 हमेशा उस नंबर पे करना है जिसके नियरेस्ट हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर नियरेस्ट 10 कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऐड प्लस 1 हमको टेंस प्लेस पे करना है, ठीक? तो दिस इज द एग्जांपल 5595। सो इधर पे आप देखोगे टेंस प्लेस का डिजिट इज 9, 9 इज ग्रेटर देन 5। इफ 9 इज ग्रेटर देन 5 तो हम क्या करेंगे, 100th प्लेस पे 1 ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड के दोनों डिजिट को टेंस और वंस को जीरो कर देंगे। सो इट विल बी 5600। ओके, सो 5595 का जो राउंड ऑफ नंबर है वो है 5600। अगर इसी नंबर को हमें फोर्थ और फिफ्थ के लिए सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, एक नंबर लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे जैसे हम कर रहे हैं हमेशा, और इस नंबर लाइन पे हम नियरेस्ट 100 5595 इसको नियरेस्ट 100 में चेंज करने के लिए हम 100 प्लेस के ये तीनों डिजिट्स को देखेंगे, ठीक? 595 किन दो नंबर्स के बीच में आता है, 500 एंड 600, isn't it? तो हम यहाँ पर नंबर्स को लिख लेंगे 5500 से लेकर 5600 तक, हम सारे नंबर्स यहाँ बीच में लिख लेंगे, 500 and 10, 500 and 20, 500 and 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, so this is 5590। तो 95 जो आएगा वो यहाँ पे कहीं पर आएगा सेंटर में, ठीक? तो ये किसके पास है, ये राउंडेड अप करेंगे या राउंडेड डाउन करेंगे? ये डेफिनेटली राउंडेड डाउन से तो बहुत दूर है, तो इस नंबर को हम राउंडेड अप करेंगे टुवर्ड्स 5600। सो 5595 का राउंडिंग ऑफ नंबर होगा 5600। ये ना आंसर आपका दोनों ही मेथड से सेम आया है, चाहे आप कंपेयर करके कर लो चाहे तो आप नंबर लाइन पे कर लो, ठीक है? सिमिलरली हमारे पास है नियरेस्ट 1000 या फिर उसके बाद, आप कितने भी बड़े लार्ज नंबर का इस तरह से कर सकते हो, बस आपको राइट हैंड साइड के सारे डिजिट्स को जीरो कर देना है और लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो जिसका आप नियरेस्ट राउंड ऑफ कर रहे हो, जैसे आप 1000 का कर रहे हो इस केस में, तो आपको 1000 में प्लस 1 करना है अगर 100 प्लेस का डिजिट 5 या उससे बड़ा है, ठीक है? तो सबसे पहले ऑलवेज लुक एट द 100 प्लेस डिजिट एंड कंपेयर इट विद 5, ठीक? मैंने आपसे कहा था कि आप जिस नंबर को भी राउंड ऑफ करना है उसके राइट हैंड साइड वाले नंबर पे डिजिट को हम देखते हैं।
ठीक। आपको इस वीडियो में मैंने एक टेबल भी बनाकर दिया हुआ है जो बहुत ही आसान कर देगा आपका काम। आप इजीली समझ पाओगे कि कौन से राउंड ऑफ में आपको किस डिजिट को देखना है और उसको कैसे कंपेयर करके कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको वो टेबल मिलेगा, आप उसको देखकर इजीली सारा कंसेप्ट समझ पाओगे। ठीक है, तो 100 में नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 प्लेस डिजिट को देखना है और उसे 5 से कंपेयर करना है। हर डिजिट को 5 से कंपेयर करना है क्योंकि 5 इज द मिडिल नंबर बिटवीन 0 टू 9। ठीक है, इफ द डिजिट इज लेस देन 5, 100 प्लेस का डिजिट अगर 5 से छोटा है तो आप उसको चेंज कर दोगे 100 टेंस और वंस, या फिर आप ये कह लो कि राइट साइड के सारे डिजिट 100 प्लेस और टेंस और वंस को तीनों को हमें जीरो बना देना है। और अगर 100 प्लेस का डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है तो आपको 1 जो है वो प्लस करना है 1000 प्लेस पर और बाकी के तीनों जो राइट साइड के डिजिट है उन्हें कर देना है जीरो। ठीक, देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है 12,990। तो यहाँ पर 1000 प्लेस को हमको राउंड ऑफ करना है। 1000 प्लेस को राउंड ऑफ करने के लिए हम 100 प्लेस का डिजिट देखेंगे। 100 प्लेस का डिजिट इज 9 विच इज ग्रेटर देन 5। तो हम क्या करेंगे, 1000 प्लस 1000 प्लेस पे एड 1 कर देंगे, प्लस 1 हम यहाँ पर एड कर देंगे और बाकी के डिजिट्स को हम जीरो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 13 एंड दिस विल बी जीरो। सो 12,990 को अगर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलो या राउंड ऑफ वैल्यू बोलो तो वो है 13,000। इसको सेम आप नंबर लाइन पे भी कर सकते हो। 12,900 जो 90 है वो दो किन थाउजेंड्स के बीच में लाई करता है, क्योंकि हम थाउजेंड्स में चेंज कर रहे हैं तो हम दो थाउजेंड्स देखेंगे। तो यहाँ पर ये लाई करता है 12,000 and 12,000, right? ये लाई करता है 11,000 and 12,000 के बीच में। तो आपको नंबर लाइन उसी हिसाब से यहाँ पर बनानी है। अब यहाँ पर देखो इस स्लाइड पे मैंने आपको पूरा एक टेबल बनाकर दिया हुआ है कि अगर राउंड ऑफ प्लेस 10 है तो आपको क्या डिजिट को देखना है और अगर वो 5 से कम है तो आपको कैसे करना है। ये टेबल को आप चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हो या फिर इसे अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। अब हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, ये ग्रेड 6 और उससे ऊपर वालों के लिए है। एस्टिमेट द सम टू नियरेस्ट 100। अब हमें यहाँ पर इनका जो सम है वो नियरेस्ट 100 हमको कन्वर्ट करना है। तो सिर्फ एडिशन में आप एक चीज कर सकते हो कि या तो आप पहले सम कर लो और उसका जो एडिशन आंसर आए उसको राउंड ऑफ कर दो, या फिर आप पहले नंबर्स को राउंड ऑफ कर लो और फिर उसके बाद उसको एड कर दो। ठीक है, तो हम करेंगे दूसरी मेथड क्योंकि वो मुझे बहुत ईजी लगती है। तो हम पहले नंबर्स को राउंड ऑफ कर लेंगे। तो 147 को हम नियरेस्ट 100 पर राउंड ऑफ करेंगे। तो 100 पर राउंड ऑफ करने के लिए हमें 10th प्लेस डिजिट को देखना है। दिस इज लेस देन 5। इफ इट इज लेस देन 5 इट मींस ये डिजिट्स जो हैं वो दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली 763 को जब हम चेंज करेंगे तो हम 6 को देखेंगे। 6 इज ग्रेटर देन 5 तो हम क्या करेंगे, 100 प्लस डिजिट पर ऐड कर देंगे 1, तो ये हो जाएगा 8 एंड बाकी के दोनों डिजिट हो जाएंगे 0। अब इन दोनों को हम कर देंगे ऐड, सो दिस विल बी 900। सो द सम ऑफ दिस नंबर्स 147 प्लस 763 विल गिव द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 900। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है कि हमारा हमको प्रोडक्ट को नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। प्रोडक्ट के केस में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में आप हमेशा पहले कन्वर्ट करो फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 67 को नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वंस प्लेस का डिजिट है ग्रेटर देन 5, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस पे प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 और वंस प्लेस को कर देंगे हम 0। ओके, सिमिलरली 124 में वंस प्लेस का डिजिट है 4 विच इज लेस देन 5, तो हम सिंपली कुछ भी नहीं करेंगे, हम बस उसको 0 लिख देंगे। अब आपको करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई, इजंट इट सिंपल, 0 0 एज इट इज, 12 7 84, सो 8400 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स। सिमिलरली हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमको इनका कोशेंट को अप्रोक्सीमेट करना है टू द नियरेस्ट 1000। ओके, सो 2340 को हम पहले नियरेस्ट 1000 में चेंज कर लेंगे। 1000 में चेंज करने के लिए 100 प्लेस डिजिट देखेंगे, 3 इज लेस देन 5, सो सारे राइट साइड के डिजिट हो जाएंगे 0, राइट। 1488
इसमें हम देखेंगे 100 प्लस 4 इज लेस देन 5, तो इस तरफ के सारे डिजिट हो जाएंगे हमारे जीरो। ओके, तो अब हमको क्या करना है, 2000 डिवाइडेड बाय 1000 इज नथिंग जस्ट 2। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इट इज द अप्रोक्सीमेट आंसर, क्योंकि हमने इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली है, नियरेस्ट वैल्यू निकाली है, इट इज नॉट द एक्यूरेट वैल्यू। ओके, सो दिस वॉज माई स्मॉल वीडियो फॉर द राउंडिंग ऑफ नंबर्स। काफी प्रॉब्लम आती है बच्चों को ये सॉल्व करने में, इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। तो अभी नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, तो हम जल्दी से वही वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट हमारा जो भी वीडियो होगा उसी टॉपिक पर बनाएंगे। तब तक प्रैक्टिस करना मत छोड़ना, बिकॉज प्रैक्टिस से ही आप मैथ्स में परफेक्ट हो सकते हो। मैं हमेशा कहती हूँ द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स, सो डू इट, प्रैक्टिस इट। मिलता हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।